ये देखो अंकित गाना सुन के मगन हो रहा है और कुछ करतब करते जा रहे हैं। तो पानी लेना है तो फिर पानी देख रहा है। आज बोल रहे हैं कि घर का पानी नहीं पियेंगे। बोला अबे लोडू लोंग इधर नहीं देख रहे हो जगह, इधर का होल तो काफी गहरा है, मान के डार्क है, दिख भी नहीं कर रहा है कुछ सारा, इसमें घुसूंगा। होल को काफी डार्क है, टॉर्च लेके आएगा अंकित अगले बार, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे देखो। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं बावन टू को, जो इस जंगल से उस पार है, गड्ढा में है, नहर साइड है, जो कोमरो डैम से जस्ट बगल में होता है। तो हम जा रहे हैं, हम तीन फ्रेंड्स, मैं, प्रीतम, ये अंकित और ये जितेंद्र जेके। तो चलो चलते हैं, सफर शुरू करते हैं। दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं ये जंगल, जंगल घुसने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ये रबड़ चेंग रहा था तो इसका गोटी बैक होके इसको लग गया जितिन को, तो गहरा चोट तो नहीं आया है, हल्का हल्का आया है, हल्का हल्का नहीं, बस थोड़ा सा जो पेन होता है, अह वाला वो आया है। रोड देखो पूरा धुआंधार है, बहुत गंदा है रोड, लेकिन नहीं है ज्यादा बे, एक थू दो ना तो, एक थूली सवाल है नहीं तो। अरे नहीं है ज्यादा, के थू दो बोल रहा हूँ तो। कहाँ का ब्लाडर? ब्लाडर तो ये बीड़ी पिएगा हे, तो फिर तुम सूट लाओ बीड़ी पीने के लगता का है। देखो ये दे थोड़ा, देखो जाके हमें ये ना पकाना है अभी सब लाते माचिस नहीं लाते तो कैसे रहते फ्रेंड्स। ये हमारा बस्ती है जो ऐसे दिखता है ऊपर से जंगल से, ये बुरा इलाका है, सबका घर यहीं आसपास है। और इधर बगल में बेगमा स्कूल है जो दिख रहा है, वो रहा नीला बिल्डिंग संत पॉल्स। हाँ, हम अभी जंगल पार करने वाले हैं, जंगल के उस पार पहुंचने वाले हैं, तो जस्ट अभी जंगल कुछ कदम चलते ही हम जंगल के उस पार पहुँच जाएंगे, उस पार का नज़ारा दिखेगा। यानी कि इस जंगल से जो आ रहे थे हमारे घर यानी कि गांव से, उस पार जो है बस्ती सब वो दिखेगा यहां से। जैसे कि इस पार है दमगुठरी है, कोमरो डैम है, भभरी है, और उस जंगल ये एक बड़ा जंगल दिख रहा है, पहुँच ही गए इधर। वो जंगल के उस पार तेरा डोब है, खरवा टोली है, तो इधर है ये अपना नहर है, नदी है इधर नीचे साइड। ये जंगल जो है काफ़ी सुंदर था पहले, लेकिन अभी पूरा इसका पूरा दोहन हो गया है, माने कि प्रकृति का दोहन हो गया है और पूरा जंगल ख़त्म हो गया है। इधर का लकड़ी जो गांव वाले यूज करते हैं खाना बनाने पकाने के लिए, तो फिर कच्चा काट लेते हैं, इसलिए यहाँ पे अभी कम हो गया है, बहुत छोटे छोटे पौधे बचे हैं, जो है ये साल वृक्ष का काफ़ी छोटा छोटा पौधा है। और ये देखो अंकित गाना सुन के मगन हो रहा है और कुछ करतब करते जा रहे हैं। चलो चलते हैं। इधर बकरी कौन लाता है? इधर कोई बकरी भी लाता है चराने के लिए, महत्व लोग है क्या? डोमेटो भी बोलूँगा इधर से कहाँ ले जाएंगे, लेकिन बताओ ना फालतू का कहे रहेंगे इसमें, चलो ना फालतू का थकने के लिए था। तो डिसाइड हो गया है हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। हाँ यहीं पर था कौन सा ये ऑरेंज ना, कुछ नहीं होता है छोटे फालतू के चाप चाप के घायल हो गया मैं खुद चाप हूँ 10-15 बार, मेरा तो आधार कार्ड से पूरा फिंगरप्रिंट ही चल गया चाप से चाप के। तो हम नीचे उतरेंगे अभी, यहाँ से सीधे जाएंगे मैदान में, इधर
नीचे है जस्ट उधर ही। सिर्फ 20 रुपए। इसमें तेरे जाएंगे काफी काटा उटा सब इधर पूरा। किसमें से इसमें चलो ना, नहीं है इसमें, उसमें नहीं है, चलो ना दही तो उतराएगा भाई, चलो उसी में कोई हम, चलो ना इधर तो, इधर तो है तो पानी जाएगा तो। ये इसमें से जाएंगे, पता नहीं कोई ढोड़ा लग रहा है। ये रहा झाड़ू, अपने घर में नहीं होता है, अपने घर में वाला इस्तेमाल होता है, वो घास वाला एक रहता है वही वाला इस्तेमाल करते हैं। ये लो फिलहाल हम डांड पहुंच गए, किसका इधर कुमड़े वालों का हो सकता है या तो भावरी वालों का हो सकता है, डांड है जितिन का भी डांड है, इधर 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 है, इधर नीचे है इधर, लेकिन लगाते कुछ नहीं है, ऐसे ही है बस, ये सब कभी काम आ जाएगा। ये तेरा वो है सेम्बल, सेम्बल फूल। झाड़ की इधर कमी नहीं है, झाड़ू देखो बहुत है, झाड़ू 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 की कमी नहीं इधर। अंकित बंद करो, कॉपीराइट आएगा नहीं तो। हाँ फेब्रुअरी ख़त्म होने तक शायद पूरा आम का जो मंजर है वो हो जाएगा होगा शायद, तो ये तो एक ठुका हो गया है जो काफ़ी फास्ट है, फिर जल्दी में है, इसका रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी हो रहा है। नहर सूखा है लेकिन अभी, क्योंकि पता नहीं इधर पानी सप्लाई नहीं करता है अभी नदी से, पता नहीं क्या हो गया, ये पूरा सूखा है, कहीं पानी सप्लाई नहीं करता है भाई, डैम से कहीं नहीं होता सप्लाई, आजकल पानी कम पड़ जा रहा है। अच्छा माने कि अभी जो जल स्तर है डैम का वो कम हो गया है, पानी कम आता है शायद होगा, तो अगर पानी बटेगा तो फिर नदी में पानी जाना कम हो जाएगा, तो फिर नदी का जो मज़ा नहीं आएगा, नदी टाइप से नहीं लगेगा, नदी तो वैसे भी नहीं है इधर बड़ा, लेकिन भी पानी पीने के लिए लेने का सोच रहा है, यहाँ पे जस्ट उतर जाओगे तो पानी मिल जाएगा वो गड्ढा का। हाँ वो तालाब भी दिख रहा है जरिए, हम बावन टू के लिए इधर जैसे इधर जाएंगे, इसमें जाएंगे बावन टू को, या आगे से इधर कट जाएंगे, तो पहले पानी लेते हैं हम बोतल में ताकि प्यास लगे तो फिर पी लेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इधर अपना है पूरा देखो, जितने इधर जमीन किधर है तेरा, इधर हाँ इधर है, माने कि ये सब सब जितने का ही है बस पे को, मतलब ये बोलना चाहता था कि पानी बस पे को, पानी का स्रोत कम, तो पानी लेना है तो फिर पानी देख रहा है, आज बोल रहे है कि घर का पानी नहीं पियेंगे, बोला अबे लोडू लोग इधर नहीं देख रहे हो जगह, इधर दे, पानी साफ नहीं है लग रहा है तेरे को, पानी रहेगा पूरा साफ है पानी। तो हम जब छोटे थे तो फिर ऐसे ऐसे होल में आर पार हुआ करते थे, होल तो काफी गहरा है माने कि डार्क है, होल को काफी डार्क है, टॉर्च लेके आएगा अंकित अगले बार, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे देखो, भाग 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 भाग, मेरा बैग तो नहीं गया ना, बहुत आ गया कि